शादी के कार्ड बनाने वाले ने बना डाली नकली हारपिक और लाइजा। जलंधर पुलिस ने एक घर में रेड करके नकली हारपिक बनाने वाले संजीव कुमार को गिरफ्तार किया। SHO संजीव कुमार ने बताया कि उनके पास एक शिकायत आई थी कि जिसको हारपिक कंपनी के गुरुग्राम से आए मैनेजर ने दी थी। उन्होंने मैनेजर जशपाल को साल लेकर जलंधर होशियारपुर रोड पर स्थित एक कॉलोनी के एक घर में रेड करके नकली हारपिक बनाने वाले संजीव कुमार वर्मा को काफ़ी भारी मात्रा में सामान के साथ गिरफ्तार किया। संजीव वर्मा का लॉकडाउन शादी के कार्ड बनाने का काम बंद हो गया था। किसी के कहने पर उसने नकली हारपिक वेलाइजन कंपनी का नकली सामान बनाना शुरू किया। मार्केट में डिलीवरी देने से पहले पुलिस ने उसको घर से नकली सामान सहित गिरफ्तार किया। कल शाम को वक्त करीब 8 बजे एक नंबरी दरखास्त जी सिटी ऑफिस में वसूल हुई थी कि पैराडाइज 3 स्टार कॉलोनी होशियारपुर रोड आ उत्थे जी घर के जाली हारपिक वगैरह बना के बाजार सेल करने भेजने उन्होंने तो कंपनी का जोड़ा एक मैनेजर यशपाल सीगा गुरुग्राम तो दिल्लियों आए थे वह भी नाल जिन्होंने नाल लैके रेड किया। उत्थे संजीव कुमार वर्मा 3 स्टार कॉलोनी रहा वो घर तो जी 29 डब्बे हारपिक दे जिन्हें ज 18 बोतल एक पर डब्बे चीज़ियाँ तो एक च 12 से टोटल 30 डब्बे हो तो नाल जोड़े 8 डब्बे ये बरामद किए कुछ जड़िया 600 बोतल लाइजोल दियाँ खाली तो 400 बोतल जड़िया सी हारपिक दियाँ खाली स्टिकर सके 12,000 एक सीगा तो 8,000 एक सीगा सारे नू कब्जा पुलिस लैके तो FIR जी असी संजीव कुमार वर्मा के खिलाफ दर्ज की 259 नंबर 63 कॉपीराइट एक्ट च। तो सर दोषी पहला कंपनी दे विच काम करता सीगा जी? नहीं जी लॉकडाउन करके जिहड़ा उहदा काम बंद हो गया सीगा वह विआह दे कार्ड कूट छापदे सीगे ते किसे बंदे ने उहनां नूं कहता जी तुसीं इदां करके आ तैयार कराओ बका दिंदे आ ते जे उहने सेल करन दी तैयारी च सीगा ते रेड करके उहनूं मौके ते फड़ लिया। ब्यूरो फिर अचानक न्यूज़ जलंधर।